नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है सैम मुंडे। आज हम बात करेंगे यहाँ पे आईटीसी लिमिटेड के बारे में बात करेंगे, जो ये यहाँ पे स्टॉक अभी मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया से ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं लिस्टिंग नेम, सिंबॉलिक नेम, लिस्टिंग डेट देख सकते हैं। ये 23 अगस्त 1995 को होता है, डायवर्सिक FMG में आता है ये। इसका भी देख सकते हैं, इसका सेक्टर का भी ये Nifty 500 में आता है। बहुत बढ़िया से स्टॉक है ये मेरे ख्याल से अच्छा स्टॉक दिख सकता है। और यहाँ पे इंट्राडे का यहाँ पे देख सकते हैं, इसने लो कितना बनाया है, 268 बनाया है और 271 बनाया है उसने यहाँ पे जो उसका था। तो जो हाई अब यहाँ पे एक साल में देखे 200 बनाया था, 9 जून 2021 को बनाया था और 20 मई 2022 को उसने 282 पर गया था। यानी अभी यहाँ पे उसका हाई चल रहा है स्टॉक का, तो इस हिसाब से अच्छा बढ़िया सा स्टॉक ये मूवमेंट कर रहा है। चलिए थोड़ा सा पिछले कुछ सालों में कैसा परफॉर्मेंस किया है उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक दिन में कितना रिटर्न मिला है, एक वीक में कितना रिटर्न मिला है, एक मंथ में अच्छा खासा रिटर्न दिया है, एक साल में अरे वाह 30 से भी अधिक रिटर्न आपको मिला है अगर आपने उसमें पैसे लगा लिए होते तो। 5 साल में थोड़ा सा माइनस में जा रहा है 5 साल का। और टोटली देखिए हम यहाँ पे मैक्सिमम तो ये स्टॉक 10 रुपये लो से बन के यहाँ पे 367 पे गया है। और अगर SIP की बात करें तो उसमें भी अच्छा खासा इन्वेस्ट किया है। तो हम कह सकते हैं कि एक साल तक आप इसमें होल्ड कर सकते हैं, एक साल के बाद आपके लिए 30% से अच्छा खासा रिटर्न हम लगाकर चल सकते हैं। तो ये ITC के बारे में थी। तो चलिए थोड़ा सा फंडामेंटल देख लेते हैं उसका। तो व्यू देख सकते हैं मेरे ख्याल से ऊपर 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 बढ़ता ही गया है। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें वो भी अच्छा खासा बढ़ता ही गया है। अगर EPC की बात करें तो वो भी अच्छा खासा बढ़ता गया है। BBP की बात करें वो भी अच्छा खासा बढ़ता गया है। और UI की बात करें तो वो भी अच्छा खासा बढ़ता गया है। और डेट ऑफ इक्विटी में कुछ नहीं है उसमें, तो इस बारे में हम वही बता रहे थे। तो ये तो हो गई थोड़ी सी जानकारी। चलिए चार्ट के ऊपर चल। अगर इस तरीके से चैनल आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से देखिए मूविंग एवरेज से बूम की तरह उसने कैसा मारा है। यहाँ पे अगर एंट्री ले ली होती किसी ने, यहाँ पे 225 इसका हाई बनाया था उसने लगभग आप कुछ ही दिनों में, आप देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे चैनल क्लियर करें थोड़ा सा तो आपके समझ में आ जाएगा कि ये कैसा लग रहा है, समझ में आ जाएगा आपको। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रेंज देख सकते हैं, ये जो रेंज है थोड़ा सा हम उसके नीचे बात करें तो यहाँ पे ये मार्च 2022 से लेके 10 जून 2022 के बीच में आप इस तरीके का ये बुलिश पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें अच्छा खासा यहाँ पे एंट्री लेने के बाद आप यहाँ पे ये थोड़ा सा ऊपर नीचे चला गया, लेकिन अभी यहाँ पे फिर से इसमें यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये स्टॉक और भी ये ऊपर जा सकता है। इसका 300-350 के करीब, 300 के ऊपर ऊपर जाने के चांसेस मेरे ख्याल से ज़्यादा लग रहे हैं इसमें, क्योंकि अभी यहाँ पे सपोर्ट के ऊपर काफ़ी ऊपर वो स्टॉक का भी ट्रेड कर रहा है। हम यहाँ पे ये भी सपोर्ट करें तो भी ये 250 का सपोर्ट है उसके, हम कह सकते हैं फिर इसमें 210 का सपोर्ट मिलता है। ये सपोर्ट के नीचे तो अभी तो कोई फिलहाल तो नहीं आ सकता, ये आने का चांस तो ऊपर ही है। अगर 300 के करीब मेरे ख्याल से जा सकता है या 300 के ऊपर भी निकल सकता है ये स्टॉक अभी इस तरीके से। अभी यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है, अगर इसे हम थोड़ा सा रिमूव करें तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा, अगर ये टर्म थोड़ा सा रिजल्टिंग लाइन देखे तो इसमें ये देखेंगे कि ये रेड लाइन आपको कैसी लग रही है ये। और सपोर्ट के बारे में बात करें तो ये एक रिजन जोन हो सकता है, अगर ये बात आई तो ये एक हो सकता है।
तो इस हिसाब से अगर आपको बताने का है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये तो कुछ बात नहीं है। इसमें 206 के मेरे के 205 पकड़ते हैं, उसमें भी कुछ दो राय नहीं है। और ये तो 250 का है, वो भी इसमें अभी आने के चांसेस कम है क्योंकि बहुत लंबा यहाँ पे समय है, यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ, अभी अचीव करने का है उसको, तो रजिस्ट्रेशन कर सकता है, रजिस्ट्रेशन को तोड़ सकता है, यानी जो सो अभी यहाँ पे 270 को ये 73 को तोड़ सकता है, जो कि हमने यहाँ पे बनाया है। 282 को भी वो तोड़ सकता है, वो जो हमने बनाया है। तो इसी हिसाब से आप कर सकते हैं उसमें ट्रेड। अगर कुछ पिछले कुछ दिनों में आप बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सपोर्ट जोन काफी काफी इसमें इसे रिक्वेस्ट दिया है। कौन से को दिया है इसमें? 206 को, काफी काफी दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ भी सपोर्ट ऊपर नीचे, यानी 200 का हम कह सकते हैं, काफी इसमें रिस्पेक्ट दिया है, ऊपर नीचे होते होते। तो अब ये जोन उसने तोड़ा है, अब यहाँ पे सपोर्ट जोन की काफी ऊपर चला गया ये स्टॉक। आप यहाँ पे देख सकते, काफी उसने इसे यहाँ पे सपोर्ट पे आने के बाद ये ऊपर चला गया, काफी ऐसा दिखाई दे रहा है। बहुत ऐसे यहाँ पे आपको पिछले कुछ चार्ट के बारे में बताएंगे तो उसमें दिखेगा। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे देख सकते हैं ये काफी बढ़िया सा सपोर्ट जोन हम कह सकते 200 का। लेकिन अभी यहाँ पे वो जोन तो अभी यहाँ पे फिलहाल तो ये स्टॉक नीचे नहीं आ सकता क्योंकि काफी काफी वो बुलिश स्टॉक अभी यहाँ पे दिख रहा है। तो अभी इसमें एक ही स्टॉक में हो सकता है कि रेजिस्टेंस तोड़ सकता है। ये रेजिस्टेंस कितने का तोड़ सकता है? 180 का तोड़ सकता है, 300 का तोड़ सकता है। मेरे ख्याल से 300 का आने वाले कुछ महीनों में ये तोड़ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि अभी उसका बुलिश अभी यहाँ पे बुलिश स्टॉक दिख रहा है, काफी राइजिंग दिख रहा है। इसमें साइडवेज नहीं है ना फॉलिंग है, ये पूरी तरीके से बुलिश स्टॉक है। थोड़ा सा अगर आपने थोड़ा सा ऊपर नीचे एंट्री ले ली होती तो थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता था, लेकिन अगर ये ध्यान से अगर एंट्री ले ली होती आपने इसमें, अगर बोलेंगे यार ये यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे देख रहे, जब ये इतने बड़े से बड़े कैंडल मिलते हैं तब हमें वेट करना पड़ता है एक ग्रीन कैंडल का। ये ग्रीन कैंडल मिलने के बाद फिर से हमें एक एंट्री लेने के लिए ये कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दी है, तो हम यहाँ से इसके ऊपर वाले कैंडल पे हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं। इस तरीके से ट्रेड को हम बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे तो हमें कंफर्मेशन मिला, ग्रीन कैंडल मिला, लेकिन उसके बाद पूरी तरीके से लंबा हमें क्या मिला? ये रेड कैंडल मिला। हाँ, ये यहाँ पे मिलने के बाद ये अच्छा था, ये यहाँ पे अच्छा बड़ा मिला, फिर इस पे हमने वेट किया, फिर यहाँ पे हमने एंट्री, ये काफी अच्छा है क्योंकि जहाँ से हम क्लोज होते हैं उसके ऊपर एंट्री लेनी पड़ती है। तो हिसाब से ये आपको सीखने के लिए बहुत बढ़िया है। ये चार्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं बिग फॉल आया, थोड़ा सा सिग्नल मिला, फिर से थोड़ा सा वेट करना पड़ा, फिर से एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल मिला। जब ग्रीन कैंडल मिलता है तो उसके हाई के जो भी क्लोजिंग हुए उसके ऊपर हमें एंट्री लेनी पड़ती है, जहाँ पे हमने यहाँ पे एंट्री ले ली। इस तरीके से ट्रेड को हम एग्जीक्यूट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए थोड़ा स्टॉप लॉस के बारे में बात करें। तो टारगेट हमारा रहेगा 280 का, पोजीशन बनाएंगे 270 पे और स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 265 का। हम बता रहे हैं आपको 300 के ऊपर जाएंगे जाएगा, तो इस ट्रेड हम कर रहे हैं हम यहाँ पे कि हम 300 का वेट करते हुए बैठेंगे, लेकिन जा सकता है। अगर ये टारगेट हिट हो गया तो हम अगला टारगेट यहाँ पे पोजीशन लेंगे, फिर उसका इसमें 10-12 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे, टारगेट 5-6 रुपए का, 10-12 का टारगेट रखेंगे, 5-6 रुपए का हम स्टॉप लॉस रखे उसे भी बनाएंगे। जैसे समझो ये 80 से ऊपर चला गया तो हम यहाँ पे 85 पे एंट्री ले सकते हैं और 95 को हम टारगेट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस हम 75 का कर सकते हैं 200। इस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। तो छोटे से पिरामिड को बना बना के हम ट्रेड करते हैं, ज़्यादा तो नुकसान भी नहीं होगा और ज़्यादा हमारा प्रॉफिट, हम उतने पीछे नहीं भागते। तो चलिए आगे बढ़। तो इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि ये ट्रेड आपको अच्छा खासा भी मूवमेंट तो उसकी ऊपर होने वाली है। इसकी मूवमेंट अगर इस तरीके से मूवमेंट हम देखें तो मैं आपको एक बताने की कोशिश करूँगा कि अच्छा खासा आपको ऊपर जाते हुए दिखाई देता है। तो इस तरीके से हम आपका ट्रेड के बारे में बताने की कोशिश करेंगे, जाएगा तो 300 से ऊपर मेरे ख्याल से जा सकता है। तो बस आज के वीडियो में इतना।